हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिशन में। दोस्तों, हम बात करेंगे विजन 2.0 के बारे में, जो कि एक नया स्टार्टअप उन्होंने किया है। अभी तक जो उन्होंने किया है वो धीरे धीरे उसमें सुधार कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी आईडी पे भी या जो मेरी टीम है उन पर भी, और टीम ने वर्क स्टार्ट कर दिया है। ये प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेवल वाइज जो इनकम शो होती है वो शो होने लगी है, और डेली एक्टिविटी के रूप में इसका अभी लगभग लोगों को जानकारी नहीं है, वो क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे ही आप थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डेली टास्क के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये डेली टास्क है। ये डेली टास्क पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने आज का जो डेली एक्टिविटी टास्क है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको एक वीडियो नज़र आएगा, वीडियो के जस्ट नीचे प्ले का बटन आएगा, वो प्ले करना है आपको। 10 सेकंड का वीडियो चलेगा। वीडियो चलने के बाद में उसको नीचे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नीचे उसको कन्फर्म करना है, और कन्फर्म करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें गुड जॉब लेकर आएगा। उसको क्लिक करने के बाद बाहर आना है, और डैशबोर्ड पर जैसे ही आप जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप नीचे दे यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे जो डेली एक्टिविटी आपको दिखाई दे रहा है, ये डेली एक्टिविटी के रूप में यहाँ पे 0.0125 के रूप में आपको यहाँ पे पेमेंट पर डे का मिलेगा। तो ये दो दिन से मैं कर रहा हूँ, तो 0.0250 यहाँ पे हो चुका है ऐड होने के बाद में, जुड़ने के बाद में। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम चालू हुई है। और यहाँ पे भी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, विड्रॉल लेने के लिए कंडीशंस फॉलो करना होगा। कंडीशंस लगाई गई हैं। अभी यहाँ पे ये $3 सबके उसमें दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये $3 मेरे इसमें भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले ये P2P हो जाता था, हम P2P के माध्यम से किसी की भी आईडी एक्टिव कर सकते थे, लेकिन अभी ये जो $3 दिख रहा है ये P2P नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है, पहले कोई कंडीशन नहीं थी, अब तो P2P पर भी कंडीशन लगा दी गई है। ये देखिए, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। $3.116 दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ P2P पे जाऊँगा, ये देखिए P2P पे मैं गया, इंटरनल ट्रांसफ़र पे जाऊंगा। यहाँ पे मेरे जाने के बाद में 3.116 ये शो हो रहा है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे फंड डालूंगा, $3 हम डालते हैं, और डालने के बाद में मैं अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल चुका हूँ, और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, 2 डायरेक्ट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र। आपको 2 डायरेक्ट करना है, और वो 2 डायरेक्ट आपको पेमेंट डालकर ही करना होगा, क्योंकि यदि आप एक आईडी यहाँ पे लगाते तो आप P2P के माध्यम से लगा सकते थे, लेकिन ये उन्होंने बंद कर रखा है। जबकि वहाँ मीटिंग में ये कहते हैं कि $3 निकालने में कोई कंडीशन नहीं है। फर्स्ट और सेकंड, पहले पूल में फर्स्ट और सेकंड लेवल की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे $3 यदि आपका शो हो रहा है तो यहाँ पे कंडीशन है। तो कुल मिला के ये है कि आपको पेमेंट डालकर ही 2 नए पर्सन आपको ऐड करना होंगे, उसके बाद विड्रॉल होगा पेमेंट। और दूसरा, आप यहाँ पर देख पा रहेंगे कि यहाँ पर $13 मेरा ऑटो पूल में शो हो रहा है। अब मैं आपको ऑटो पूल में लेके चलता हूँ। यहाँ पे अर्निंग में ये हम ऑटो पूल में आ चुके हैं, और ऑटो पूल जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे $5 के ऑटो पूल में आप देखेंगे कि 4, 2 और 1, 3 ये अकेला शो हो रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा फर्स्ट और सेकेंड लेवल कम्प्लीट है, $3 यहाँ पे आ चुके हैं, और ये $3 ऊपर शो हो रहे हैं। जबकि यहीं पे मैं देखता हूँ तो $13 शो हो रहे हैं। मेरे सेकंड जो स्टैंडर्ड पैक है,
इसमें भी मेरा कितना पेमेंट आ चुका है? कोई पेमेंट नहीं आया है, लेकिन फिर भी मेरा वहाँ पे $13 शो हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अर्निंग टोटल $13, और यहाँ पे देखिए आप तो ऑटो पूल इनकम $13 ये सो रही है, जबकि $13 वहाँ अभी हुआ ही नहीं है, ओनली $3 मेरा आया है। $13 ऑटो पूल का वहाँ पे यहाँ सो रहा है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई कंप्लीट नहीं हुआ लेवल। तो इस तरीके से इनका जो भी कुछ चल रहा है, थोड़ा मतलब सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। और इनका कहना है कि हम विड्रॉल दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल दे रहे होंगे, कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है। और सभी से मैं यही कहूँगा कि सिस्टम सही से वर्क करे तो उस अनुसार सिस्टम को फॉलो करें, और अपना जो भी विड्रॉल है वो निकाल के देखें और निकालें। और जहाँ समस्या आ रही है, आप, मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप जो नंबर दिया है ऊपर से, वो नंबर, उस नंबर पे जाके आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो मीटिंग में कहते हैं कि हम सभी के कॉल मैसेज उठाते हैं, बात करते हैं। तो बिल्कुल जिसको जो समस्या है वहाँ जाके आप कॉल करिए, बात करिए। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं सिस्टम के तहत जो भी अपडेट देता हूँ, मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। आप सिस्टम को देखें, समझें, फिर फॉलो करें। और जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये मिसिंग है, या मैं नहीं कर सकता, या कोई ज़बरदस्ती नहीं, तो बिल्कुल कतई ना करें। मेरा यही सोचना रहता है कि आपको यदि लगता है कोई परेशानियाँ हो सकती है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, और मेरे से जो सॉल्यूशन मुझे पता है मैं उतना दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता है। आप कंपनी के एडमिन से या कंपनी ओनर से बात करें, मैं ज़्यादा अपडेट आपको नहीं दे सकता, जितना अपडेट वो दे सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।